माय चैनल अमेजिंग वर्ल्ड। फ्रेंड्स, आप ये जो देख रहे हैं ये एक टेराकोटा बाउल है, जो आप देख सकते हैं इसमें मैंने ड्रेनेज होल भी बनाया है और साथ के साथ आप देख सकते हैं ये काफ़ी हैवी है, वेटी है थोड़ा, और आप ड्रेनेज होल भी देख सकते हैं मैंने खुद बनाया है। और फ्रेंड्स, साथ के साथ ही मैं ये बताऊंगी कि इस जो ये जो आप बाउल देख रहे हैं, आज मैं इसको एक बहुत ही ब्यूटीफुल एक प्लांटर बनाऊंगी जिसको कहते हैं सकी पॉट इन पॉट, मतलब सकुलेंट पॉट इन ए पॉट। तो आज मैं बहुत ही ब्यूटीफुल एक प्रोजेक्ट बनाने जा रही हूँ, तो प्लीज़ फ्रेंड्स मेरी वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखें। और अब मैं इस पॉट को या बाउल को कलर करूँगी। ये मैंने स्प्रे कलर लिया है, आप चाहे तो कोई भी कलर ले सकते हैं, एक्रेलिक पेंट भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने स्प्रे कलर चूज़ किया है। ये बहुत इजीली पेंट हो जाते हैं और काफ़ी इसमें टिक जाते हैं ये कलर, आप पानी में या कोई भी आप इसको धोएंगे तो ये मिटेगा नहीं। तो इसी वजह से फ्रेंड्स मैंने ये स्प्रे कलर लिया है और एक गोल्डन कलर के हैं, आप चाहे तो कोई भी आपके पसंद से कलर ले सकते हैं। और इस तरह से मैं सारे जो बाउल है इसमें सब सारा चारों तरफ से इसके कलर कर लूँगी, गोल्डन कलर अंदर भी मैं इसका कलर करूँगी। तो फ्रेंड्स ये देखिए मैंने अच्छे से सारे चारों तरफ से कलर कर रही हूँ और ये कलर हो गए हैं। तो अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए सुखाने के लिए रखूँगी। फ्रेंड्स ये देखिए मेरी ये जो बाउल है ये पूरा ड्राई हो गए हैं। तो अब फ्रेंड्स पहले तो मैं ये जो आप ड्रेनेज होल देख रहे हैं इसके ऊपर कोई भी स्टोन या जो मिट्टी का टुकड़ा होते हैं पॉट के टूटा हुआ वो रखूँगी, ताकि मेरी जो वाटर है वो अच्छे से ड्रेन हो जाए और फिर मैं इसमें सॉइल डालूँगी। ये देखिए मैंने इसमें सॉइल डाली हूँ फ्रेंड्स, अच्छे तरह से इसमें मैं सॉइल डाल लूँगी ताकि जो भी मेरे को इसमें प्लांट लगाना है या इसमें कोई मैं पॉट भी लगाऊंगी। तो फ्रेंड्स इसमें तो पहले ये देखिए ये आउल शेप का मैंने ये छोटा सा पॉट लिया है जो मैं इसमें अच्छे से प्लेस करूंगी, तो पहले सॉइल डाल लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स मैंने ये इसमें काफ़ी ऊपर बराबर तक इसमें सॉइल ले लिया है। अब ये जो आप पॉट देख रहे हैं छोटा सा, इसमें मैं ऐसे इसमें प्लेस करूँगी, तो पहले सॉइल को थोड़ा सा हटा लेंगे ताकि ये जो पॉट है ये अच्छे से इसमें सेट हो जाए। और ये देखिए फ्रेंड्स मैं ऐसे करके इसमें सेट कर लूँगी और सॉइल अच्छे तरह से इसके चारों तरफ से मैं लगा लूँगी ताकि इसमें कोई जगह ना रहे, और फिर इसमें फ्रेंड्स मैं प्लांट लगाऊंगी। तो पहले आपको मैं प्लांट दिखा लेती हूँ फ्रेंड्स इसमें लगाने के लिए। ये देखिए फ्रेंड्स मैंने ये बनाना स्टिंग लिया है, ये बेबी नेकलेस लिया है, और ये एफ्रा बेरीग्रेड है, और ये एचवीरिया है, ये एचवीरिया ब्लू बर्ड है, और ये देख सकते हैं ये फायर स्टॉर्म है। इसका कितना ब्यूटीफुल कलर है फ्रेंड्स, एकदम रेड शेडेड का। तो मैं इसलिए फ्रेंड्स ये कलरफुल प्लांट लिया है ताकि अच्छा लगे। तो चलिए पहले हम इसमें ये सारे प्लांट निकाल लिया है, देखिए पॉट से पहले तो सारे प्लांट मैंने निकाल लिया है ताकि मैं इसमें अपने चॉइस के हिसाब से प्लांट लगा सकूं। तो फ्रेंड्स ये आप देख रहे हैं कि ये डबल हेडेड प्लांट है जो मैं यहाँ पे पहले इसमें सेट करूँगी, तो मैं इसमें सिंगल प्लांट ही सेट करूँगी क्योंकि ये डबल जो हेडेड है ये बहुत ज़्यादा इसमें बंद हो जाएगा क्योंकि मुझे इसमें काफ़ी सारे प्लांट लगाना है। तो इस हिसाब से मैं अपने हिसाब से इसमें प्लांट लगा लूँगी, लेकिन पहले मैं इस प्लांट को सेट कर लेती हूँ फ्रेंड्स, फिर आप लोगों को दिखाती हूँ कि कैसे मैं इसमें प्लांट सेट करूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स मैंने इसमें सारे सिंगल हेड एचवीरिया और एचवीरिया ब्लूबर्ड करी है। ये जो देख सकते हैं ये एचवीरिया है जो मैंने सिंगल हेडेड ली है, और ये देख रहे हैं फायर स्टेम जो कि मैंने डबल हेडी लगा लिया है ताकि ये कलरफुल अच्छा लग रहा है, और ये जो एफ्रा ब्रिगेड है ये मैंने ऊपर की तरफ लगाई है, और ये जो देख रहे हैं ये बेबी नेकलेस हैं जो मैंने साइड से लगा दिया है।
और इसके चारों तरफ से अभी देख सकते हैं थोड़ा सा सॉयल है जो कि मैंने खाली रखा है। बाकी हम इसमें स्टोन डाल के डेकोरेशन कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसमें जो आउल है उसके एकदम सेंटर तक मैंने वाइट स्टोन रखा है और उसके ऊपर से मैंने ब्लैक स्टोन लगा दिया है ताकि ब्लैक जो स्टोन है उसमें मेरे जो प्लांट्स है वो कलरफुल दिखे। और नीचे क्योंकि मेरी जो आउल है वो ब्राउन कलर का है, डार्क शेडेड में है, तभी मैंने उसमें वाइट स्टोन डाला है ताकि इसका जो लुक है वो देखने में अच्छा लगे। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ऐसे एक सकुलेंट पॉट इन ए पॉट है, मतलब एक जो मैंने ये सकुलेंट लगाए हैं पॉट में वो एक पॉट के अंदर है, तो इसी वजह से इसको सकी पॉट इन ए पॉट बोलते हैं, मतलब सकुलेंट पॉट इन ए पॉट है। तो फ्रेंड्स इस हिसाब से आप अपने कोई भी प्लांट यूज़ कर सकते हैं और अपने डिज़ाइन के हिसाब से, चॉइस के हिसाब से आप अपना प्लांट लगा के ऐसे बहुत ही ब्यूटीफुल प्लांट बना सकते हैं प्लांटर। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स इसका जो कलर है वो रेड शेडेड के, तभी मैंने दो इसमें लगा दिया है फायर स्टॉर्म का, ताकि आप हमेशा जब भी प्लांट यूज़ करें तो उसमें बहुत ही ब्यूटीफुल शेड होनी चाहिए, जैसे रेड, ग्रीन, ब्लूइश और डार्क ग्रीन, ये जो स्टिंग ऑफ बनाना देख रहे हैं इसमें, और ये जो एफ्रा ब्रिगेड देख रहे हैं ये कितनी लाइट शेडेड के हैं, और ये जो स्टिंग ऑफ बनाना है ये डार्क ग्रीन कलर के हैं, और जो एचिबेरिया ब्लू बर्ड है वो ब्लूइश कलर के हैं, तो देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो फ्रेंड्स आप अपने चॉइस के हिसाब से कोई भी प्लांट यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो मैंने अभी पॉट बनाया है तो ये आप लोगों को शायद पसंद आया हो, और अगर आप लोगों को ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को मेरी ये प्लांटर अच्छा लगा है कि नहीं, ताकि मैं आप लोगों के चॉइस से और भी प्लांटर या और भी मैं प्रोजेक्ट बना सकूं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये पूरा जो पॉट है ये कितना अच्छा लग रहा है, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है, और आप लोग इसको कहीं भी डेकोरेशन में रख सकते हैं, जैसे सेंटर पीस की तरह इसको यूज़ कर सकते हैं, आप सेंटर टेबल पे भी रख सकते हैं, या आप डाइनिंग टेबल के ऊपर भी इसको डेकोरेशन कर सकते हैं, और अपने ऑफिस में भी रख सकते हैं, अपने पसंद से कहीं भी इसको डेकोरेशन करके रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर मेरी ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो मेरे न्यू व्यूअर है मेरी चैनल पे प्लीज़ वो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप नए जो मेरी वीडियो हैं वो आप देख सकें, जब भी मैं अपलोड करूँ तो आप लोगों को नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा, और आप प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, बाय। Thank you.